सिरराज भगवान परशुराम मंदिर में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। मैं पंडित पद्म प्रकाश शर्मा, सेक्रेटरी जनरल AIBF ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन। आज किसी कार्यवश चंडीगढ़ आना हुआ, श्री परशुराम भवन अपना जो 37 सेक्टर में है, उसके तत्वाधान में ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का एक कार्य समिति का कार्यकारिणी को एक सम्मेलन हो रहा है, अधिवेशन हो रहा है, उसको रूप देने के लिए, उसको सुव्यवस्थित ढंग क्या होना चाहिए, उनके विचार विमर्श के लिए अपने अध्यक्ष भाई यशपाल तिवारी जी उनके लिए आए थे कल, लेकिन इसी बीच काफ़ी विप्रजनों से बात हुई और उसी श्रृंखला में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, वैद्य जी हैं, उनसे भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ। कुछ इनकी अपनी आपस की कोई इस प्रकार की बात थी, उसके तहत हम जरूर उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकते हैं, वो करेंगे भी। और इसी बात को लेकर हमारे वैद्य ने हमको बताया कि हाँ, एक परशुराम मंदिर का निर्माण हो रखा है, आप उसके दर्शन जरूर करने चलें, लेकिन समय के अभाव के कारण शायद मैं इस मामले को टालना चाह रहा था कि अगली विजिट में हम आएंगे, लेकिन प्रारब्ध में जो कुछ होता है, और मुझे लगा कि ये प्रश्न ऐसा इन्होंने मेरे सामने रखा है जिसका मुझे अवॉइड नहीं करना चाहिए, और उसके तहत मैं एक दिन अपनी इस दौरे को बढ़ाकर आज सवेरे सवेरे इनसे भी पहले यहाँ आकर ढूंढना शुरू कर दिया, और लेकिन मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अभिभूत हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने बहुत ही लगन से, कठिन परिश्रम इनकी और इनके टीम की, इन्होंने जो कुछ करके दिखाया, ये वास्तव में एक सपना ही है, बहुत मतलब नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ की भव्यता, यहाँ की पवित्रता, यहाँ का जो रख रखाव, जो यहाँ के पुजारी लोग हैं, जो अनुशासन तरीके से यहाँ इन्होंने जो हमारा मान सम्मान, जबकि नहीं होना चाहिए, यहाँ तो भगवान का मान सम्मान है, यहाँ तो हमारे इष्ट हैं, हम तो सेवक हैं, लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते इन्होंने जो कुछ करके दिखाया, उसके हम उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। उसके लिए मैं बहुत ऋणी हूँ अपने अध्यक्ष जी का, अपने, और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ कल बात हो रही थी वो तो बहुत छोटी थी, आपने तो बहुत बड़ी लाइन खींच रखी है, आपने तो बहुत बड़ी किरण पैदा कर रखी है, जो जिससे सारा जग प्रकाशमान हो रहा है, सारा इलाका, और जहाँ जहाँ तक ये किरण जा रही है वहाँ सब प्रकाशमान हो रहा है। मैं भी मान लीजिए मैं हरिद्वार जाता हूँ या AIBF के थ्रू कहीं भी पूरे उसमें जाता हूँ, तो वर्णन मैं भी इस बात का करूँगा तो सब लोगों को वहाँ वहाँ तक उसका लाभ मिलेगा। सर, एक चीज़ और है कि ब्राह्मण सभा अगर बात की जाए तो क्या ब्राह्मण के लिए, भलाई के लिए कौन कौन से काम कर रही है, कुछ ऐसे हैं जो उसको आप प्रायोरिटी बेस पर लेकर चल रहे हो? हाँ, देखो ब्राह्मण, सबसे पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण ऐसी जाति है जो आज की परिस्थिति में, वर्तमान का जो परिवेश है, इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई अगर आ रही है, सबसे, या दूसरे शब्दों में कहूँ, सबसे ज़्यादा जो दुर्दशा हो रही है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की हो रही है। तो लेकिन ब्राह्मण के साथ और भी ज़्यादा परेशानी यह है कि उसको कहने को तो यह है कि भाई ब्राह्मण कुछ नहीं करता, दीन दुखी है, गरीब है, शरीफ है, ये है, वो है, हैं, और लेकिन उसकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता, ना किसी, जितनी सरकारें हैं कोई किसी कल्याणकारी योजना का लाभ सीधे सीधे ब्राह्मण को नहीं है, या किसी राजनीतिक परिवेश में ब्राह्मण का सानिध्य तो सब चाहते हैं, ब्राह्मण का आशीर्वाद तो सब चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई भी उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। कुछ हमारे नियम इस प्रकार के बन गए हैं, चाहे वो आरक्षण के
मद्देनज़र हो या किसी बात को के मद्देनज़र हो, हम कहीं भी अपने आप को बहुत ही क्या कहना चाहिए कि हम हमें बहुत हमारा हसड़ हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि क्योंकि कोविड का जब दौर था तो हमने भी देखा उस टाइम पर हालात इतने ज़्यादा नाजुक हो गए थे, मंदिर बंद हो गए थे, भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए थे, तो उस टाइम पर जो मंदिर के पुजारी थे उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, रोजी रोटी का सवाल हो गया था। तो उस टाइम पर ऐसी सभाएं मतलब कोई ऐसा कदम उठा रही हैं, कैसी फ्यूचर में अगर कोई स्थिति आती है तो उस पर कैसे मतलब? हाँ, हमारी सभाएं ये सब सारे जितने भी चैरिटी के काम हैं वो सब ये जो सभाएं हैं वो चैरिटी का काम ही तो करने का इनका अपना दायित्व है, करते रहे हैं, बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि मुफ्त का भोजन बांटना, मुफ्त का राशन बांटना, मुफ्त के कपड़े बांटना, मुफ्त के मास्क और सैनिटाइजर बांटना, इन सब बहुत ज़्यादा, और हर प्रकार के आश्वासन देना, हर प्रकार की व्यवस्था करना, भाई 10 आदमी से ज़्यादा, 5 आदमी से ज़्यादा, 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होना, उन सब के लिए सबको मतलब शिक्षा देना, तो इन सब कामों को ब्राह्मणों ने ही किया है और बहुत अच्छे ढंग से किया है, कहीं अपने विवेक को उन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया। और हर प्रकार से आज ब्राह्मणों की वजह से ही मैं तो हरिद्वार में जहाँ धर्म नगरी है, संतों की नगरी है, वहाँ देख मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से कुंभ का जो आयोजन हुआ वो भी कुंभ का आयोजन हुआ, और लेकिन इन सब मापदंडों के बीच में। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है कि आज देश में एक नया ट्रेंड चल चुका है कि जहाँ पर मस्जिद या मकबरे थे वहाँ पर बात चल रही है कि हिंदू का मंदिर है, ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, आप कितना इसे जायज़ मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई साहब, ये तो राजनीतिक पॉइंट है और इसको हम क्या कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक ज्ञान वापी वगैरह जो ये बातें चल रही हैं, क्योंकि आप लोग भी तो कहीं ना कहीं अगर सनातन, हम तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हैं, हम तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हैं, हमें उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हमने ये जिस तरीके से ये सकारात्मक सोच ये भाई वैद्य जी ने ये ऐसे से स्थान कार्यक्रम के इनकी तरफ हमारी रुचि है, हमें नौजवान पीढ़ी क्या करते हैं, कई बार गुमराह हो जाती है चीज़ों से, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, हम तो अपने जो हमारे नौजवान हैं, साथी हैं, भाई हैं, हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो इस प्रकार के अनुसरण करें, इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें, इस प्रकार नसीहत लें हैं जो ऐसे ऐसे लोग ये ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये कितना बड़ा कार्य है, छोटा कार्य नहीं है, हम किसी के धर्म पर कटाक्ष नहीं करते, हमें कोई अधिकार नहीं है, हम तो भगवान की पूजा करते हैं और हमारा जो सेवा है हमारी वो हमारे जो भाई बंधु लोग हैं, दूसरी जाति के लोग हैं, उनके धर्म कर्म के जितने भी कार्य हैं उनको कराते हैं, ब्याह शादी कराते हैं, इन सब के बीच हमारे उसके पश्चात भी जो असली हमारी दक्षिणा होती है वो भी शायद हमारे पुजारियों को नहीं मिल पाती, और यहाँ तक कि कुछ इस प्रकार के जो दूसरी सरकारें हैं उनके ये भी बन रहे हैं कि वो वहाँ पुजारी भी किसी भी जाति के बैठाने के लिए बाध्य हैं, और उन्होंने अपने वो संविधान में पास भी कर दिया है, तो जैसे ये अपने तमिलनाडु में है या आंध्रा में है। आप मानते हो गलत है? गलत है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम प्रोटेस्ट भी करते हैं और हमने किया भी है, और मतलब हम हर प्रकार की जो रक्षा ब्राह्मण जाति के लिए होगी वो हम उसके लिए। मैं यशपाल तिवारी, प्रधान श्री ब्राह्मण सभा चंडीगढ़, भगवान परशुराम भवन सेक्टर 37 में है। ये जो यहाँ पर आज आयोजन किया है इन्होंने थोड़े से टाइम में, आज पंडित जी को निमंत्रित करके कि आप मंदिर देखने के लिए आइए, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस मंदिर में आकर के हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इनके हम बहुत आभारी हैं और इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बाकी ब्राह्मण सभा जो आपने अभी प्रश्न किया कि युवा नहीं जुड़ रहा है, तो उसके लिए प्रयास हो रहे हैं, जब हम कुछ करके दिखाएंगे उनको तो युवा भी प्रभावित होगा, जब वो प्रभावित होगा तो हमारे साथ जुड़ेगा। पंडित जी ने बताया कि युवा जो श्रेणी है वो हमारे साथ आप आज कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। मंदिरों का जो आपने बताया पूछा कि ये जो मस्जिदें बन गई, गिरजाघर बन गए, लेकिन
उससे पहले वहाँ पर मंदिर ही थे स्थापित। ये कितने सौ साल पुराने हैं, मुगलों का राज हुआ तो उन्होंने जितने भी मंदिर थे, ये इतिहास बता रहा है और नीचे से निकल के आ रही हैं वो चीज़ें, तो इसमें कोई किसी को ये छुपा नहीं सकते। अगर वो कार्य आज किया जा रहा है कि मंदिरों को दोबारा उभारा जा रहा है, मस्जिदों के नीचे से अगर निकाला जा रहा है, तो कोई गलत काम नहीं है, आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन वहाँ पर मंदिर थे और मंदिर निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल सर, भगवान परशुराम मंदिर आज मोहाली में आप पहुँचे, किस तरह का मंदिर बना है उसके बारे में थोड़ा सा? बहुत भव्य मंदिर बना है। ये मिस्टर वैद जो है यहाँ पर प्रधान है श्री ब्राह्मण सभा मोहाली के और मोहाल सभा के और इस मंदिर के मेरे बड़े बड़े पुराने दोस्त हैं, इनकी कार्यशैली मैं जानता हूँ। जिस कार्य को लग जाते हैं उसको करके पूरा छोड़ते हैं। आपने कहीं नहीं सुना होगा 4 साल के अंदर इतना बड़ा भव्य मंदिर खड़ा हो गया। 4 साल में तो धरती अलर्ट होती है कि जमीन आपको ये कर दी, एयरमार्क कर दी, उसके बाद हमने उसको बनाने के लिए योजना बनाई, नक्शे बनवाए, पास किए, 4 साल तो इसी में निकल जाते हैं। लेकिन 4 साल के अंदर अंदर इन्होंने इतना बड़ा भव्य इमारत खड़ी कर दी, इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया। ये बहुत शुभकामना के अधिकारी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनकी टीम ने जो काम किया है, अभी इनके ही वो प्रधान है महिला संकीर्तन मंडली की हेमा जी, वो बता रही थी कि बड़ी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, जो काम करता है वो उत्तेजित भी होता है, जिसके अंदर ऊर्जा है ना वो बाहर भी आएगी, तो ऊर्जा अगर वो बाहर नहीं आएगी तो काम नहीं हो पाएगा। उनको करने दें काम, लेकिन एक है कि थोड़ा सा धैर्य रख के, कोई गलत करता है करने दो, आपको देख करके ठीक हो जाएगा, वो अपने आप सुधर जाएगा। हमने कोई ठेका नहीं लेगा किसी को सुधारने का, हमारा ठेका है अपने को खुद को सुधारने का। हम सुधरे हैं तो युग सुधरेगा। हमारे गुरु जी हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनका यही नारा था कि पहले खुद को सुधारो, जग अपने आप सुधर जाएगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। क्या कहना चाहूँगा मैं श्री ब्राह्मण सभा मोहाली की तरफ से अपने बहुत ही सत्कार योग आदरणीय पंडित पद्म प्रकाश शर्मा जी, जो ऑल इंडिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे बीच में, और हमारा भाई यशपाल तिवारी और उनकी टीम, और इनके साथ जो पद्म जी के साथ जो लोग आए हैं उत्तराखंड से, और जो मेरी टीम महिला अध्यक्ष और सारी टीम जो मेरी खड़ी है, मैं सभी का बहुत आभारी हूँ कि छोटे से आमंत्रण पे हमारा पद्म जी ने मान रखा, और जो हमने हमारी टीम ने मिलकर ये काम किया वो इनको हमने इन्होंने देखा और उसकी रूपरेखा इन्होंने आपको पहले ही वर्णन कर दिया है। मैं फिर अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से, ब्राह्मण समाज की कम्युनिटी की तरफ से यही प्रार्थना है मेरी कि भगवान परशुराम जी सबको सद्बुद्धि दें, हम सब मिलकर काम करें। सेवा है, सेवा के लिए कोई ईगो का कोई स्थान नहीं होता, सेवा मन से होती है। जब आपका अंदरूनी जो इंटरनल सोल है जब आपको वो पुकारती है तो फिर भी सेवा होती है, दिखावे के लिए सेवा नहीं होती। मुझे ना तो मेरी टीम को ना मुझे किसी पद से लगाव है, लगाव है तो इस मंदिर से है, इस भवन से है, इस भगवान से है, जहाँ कुछ नहीं था, जंगल में मंगल इंडस्ट्री एरिया जहाँ कोई लोग आते नहीं है। आज आपके पास इतनी बड़ी ताकत खड़ी है, इतनी बड़ी टीम के मेंबर आपके साथ आए हुए हैं जिन्होंने आपका हौसला अफजाई भी किया कि आपके काम की सराहना की उन्होंने, आपको क्या लगता है इससे कितनी ताकत मिली आपको? मुझे जाति तौर पर बहुत बल मिला है कि मेरे बड़े भाई श्री पद्म जी और श्री यशपाल तिवारी जी, उनकी टीम ने आकर जो मैं थोड़ा सा विचलित था उसको एक विराम दिया
मेरा मनोबल इन्होंने बढ़ाया और इन्होंने मुझे मान्यता भी दी, मेरे समाज को, इस ब्राह्मण सभा को, इस मंदिर को इन्होंने अपने साथ जोड़ा। मैं इनका तहे दिल से अपनी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से शुक्रगुजार हूँ। और आगे से जो मुझे इन्होंने मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन में मैं हमेशा ही काम करता रहूँगा। जब भी मुझे पद्म जी किसी काम के लिए कहेंगे तो मैं मेरे ये कोरे कागज पे सिग्नेचर लगा दें, सेवा के सिवा मेरे पास और कोई काम नहीं है, ना मेरी टीम के पास है ना मेरे पास है। जी, मैं मुख्य मेहमान जी का सबसे पहले बहुत बहुत दिल से उनका स्वागत करती हूँ यहाँ पे आए, और इतनी देवभूमि उत्तराखंड से चलकर यहाँ पर आए, और ये हमारी टीम ने जो मेहनत की है यहाँ पे, और अपना सारा घर का परिवार का काम छोड़कर इस मंदिर की सेवा की है, और उसको आज पद्म जी ने यहाँ पर आकर देखा, और जो हमें उनके कहने पर एक बहुत बड़ा आत्मबल मिला है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आगे अपनी टीम को फिर पॉजिटिव एनर्जी जो इनके द्वारा हमें मिली है, और जो मंदिर के कार्य कुछ रहते हैं उसको करने के लिए फिर से हम तत्पर हैं, और इसी तरह कार्य करते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ, और आपका आने का फिर से इंतज़ार करेंगे हम, जो इसमें हमारा अगला कार्यक्रम ये स्थापना दिवस की भी ऐसा प्रोग्राम बड़ा होगा तो जी उम्मीद नहीं करते, हमने ऐलान कर दिया है फर्स्ट जुलाई को बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, और हमने आपको दिल से आमंत्रित किया है यहाँ पर, और हाँ बिल्कुल आएंगे, हमें मिस भी कर दिया है आपने, और पद्म श्री जरूर आएंगे यहाँ पे, क्यों नहीं आएंगे। और फिर एक रिश्ता अलग से जुड़ गया है, हम उत्तराखंड के वासी हैं तो जरूर आना ही होगा। अपना पद्म जी, ये सुभाष चंद्र जी बोरा है, मेरे पुराने मित्र हैं, और ये नाम नहीं ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण ना होते हुए भी, नाम ब्राह्मण होते भी हमारे ब्राह्मणों को बीच ब्राह्मण हो गए हैं, और यहाँ तन मन धन से लाखों रुपए की सेवा और लंगर का प्रोग्राम ये यहाँ करा रहे हैं, और जितने बेड जितने गड्ढे यहाँ पड़े हैं 80 के करीब इनके दिए हैं, जितने पक्खे लगे हैं सारे इसने दिए हैं, और भगवानों के वस्त्रों के लिए इन्होंने बहुत से पैसे दिए हैं। हमेशा ही जितना प्रसाद मंदिर में यहाँ लगता है ये सब दे रहे हैं, और आगे का जो मैडम जी ने इनवाइट किया है स्थापना दिवस के लिए, उस दिन भी इनका भंडारा इनकी तरफ से है। अब बताइए कौन से ब्राह्मण की कमी है इनमें, हम क्यों ना इनको ब्राह्मण कहें, ये मेरा भाई है। गुजरात से है क्या? बेसिक गुजरात से क्या? नहीं, मैं पंजाब से। हमारे यहाँ हाँ पंजाब ब्राह्मण होते हैं, पंजाब से हम क्षत्रिय हैं। मेरे पूर्वज जो थे वो राजा थे, मेरे पूर्वज राजा थे। क्या कहना चाहूँगा मैं, क्या कहूँ, सब कुछ इन्होंने बोल ही दिया। मेरे बड़े भाई हैं, 42-43 साल हो गए हमारी दोस्ती को। कहाँ मिले थे? 17 सेक्टर में, जब ये सिविल डिफेंस में होते थे, मैं भी जॉब करता था, तो वहाँ ट्रेनिंग में इन्होंने बुलाया था, तब से आज तक देखो ये मेरे साथ जुड़े हुए, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ। आधी आवाज लगाते हैं मैं पहुंच जाता हूँ, आधी आवाज लगाता हूँ ये पहुंच जाते हैं। लेकिन कल का मेरे को गुस्सा है, ये 37 सेक्टर में मेरे सेक्टर में आए हैं, अच्छा, लेकिन मेरे को नहीं बुलाया ना मेरे को मिलके आए। प्रोग्राम जो ये जोड़ने का काम करते, तोड़ने का ना, जोड़ने का काम करते, तोड़ने का नहीं करते। अगर तोड़ने का काम करते होते तो ये कुछ ना बनता यहाँ पर, ये बस सही है, ये कुछ नहीं बनता, ये बात जोड़ने से ही बनता। जैसे कुछ लोग इनके, जैसे हमारी बहन ने भी कहा कि ये बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, ये तो हमारा धर्म है, मैं तो इसको मानता हूँ कि असली ब्राह्मण यही है। हाँ। इनका परशुराम जाग जाता है, परशुराम तो गुस्से के प्रतीक थे। हाँ। तो हम उन्होंने 2 मिनट में हम महाराज श्री राम और लक्ष्मण को हिला दिया था। भाई साहब, हम कहते ही परशुराम, इन्हें अब सामने कहने से डर लगता है, अगर पीछे हम कहते